अस्सलाम वालेकुम। समर्स और रिफ्रेशिंग कलरफुल ड्रिंक्स ना हो कैसे पॉसिबल है। आज रेस्टोरेंट स्टाइल में हम 3 कलरफुल हेल्दी ड्रिंक्स बना रहे हैं। बहुत इजी और बहुत क्विक है बनाएं, वीकेंड पे सर्व करें अपनी फैमिली को और सबकी वाह-वाह समेटें। चले स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले एक सॉस पैन मैंने ले लिया है, 1 कप चीनी ऐड कर दूंगी मैं इसके अंदर, साथ ही 1/2 कप पानी। इसका शीरा बनाएंगे। फर्स्ट हम ब्लू लगून लिक्विड रेडी कर रहे हैं। शीरा जैसे ही हमारा डिसॉल्व हो जाएगा फिर हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ब्लू लेमन ड्रिंक बनाने का सिरप बहुत इजीली हम घर में बना सकते हैं और ये बाजार से रेडीमेड भी मिल जाता है, लेकिन घर में जब हम बनाते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है और बहुत मज़े का और रिफ्रेशिंग टेस्ट होता है, हेल्दी वे में होता है, प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं होते इसके अंदर। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस वीकेंड और अपना फीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी रेसिपीज़। शुगर डिसॉल्व हो गई है, बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं इसके अंदर हम। 2 लेमन का लेमन जूस मैंने निकाल के रखा था फ्रेश, वो ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर। लेमन जूस बनाते वक्त इसके इस तरह से पीसेस जो थे वो मैंने रख लिए, क्योंकि इससे एरोमा और खुशबू बहुत अच्छी और टेस्ट बहुत अच्छा बिल्ड होता है, वो इसमें ऐड कर दिए मैंने। पीच इस वक्त सीजन में है, मैंने पीच चॉप करके 2 अदद वो इसमें ऐड करूँगी। अगर आपके पास पीच ना हो और आप चाहें तो ऑरेंज, पाइनएप्पल, कोई भी अपनी फेवरेट फ्रूट जो कि थोड़ा सा हल्का खट्टेपन पे हो वो ऐड कर सकते हैं आप इस पर। अच्छे से बॉयल होने तक इसे मैं कुक करूँगी ताकि सारा अरोमा इसमें निकल आए अच्छे से। फिर हम इसमें ब्लू कलर ऐड करेंगे, फूड जेल कलर है मेरे पास ब्लू, वो ऐड करूँगी। अच्छे से किसी स्पैचुला या स्पून की हेल्प से आप इसे प्रेस करें ताकि इसके अंदर जो फ्रूट वगैरह हमने डाले हैं अच्छे से उसका जूस उसमें शामिल हो जाए। आप चाहें तो पीच का जूस निकाल कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, बट मैंने जो है चंक्स ऐड किए हैं, इससे इसका अरोमा भी बहुत अच्छा बन जाता है और देखने में भी सूथिंग लगता है। देखिए अच्छा सा पीची सा कलर आ गया है। 1 ड्रॉप ब्लू फूड जेल कलर इसमें ऐड करूंगी। 2 मिनट तक इसे पकाना है। कंसिस्टेंसी देखें थोड़ी पतली है, थोड़ा सा इसके सिरप को और थिक करूंगी मैं, कुक करूंगी इस समय। रेडी हो चुका है ब्लू सिरप, अब मैं इसे स्ट्रेनर में स्ट्रेन करती हूँ। हम साइड पे ठंडा करने रखेंगे, इस स्टेज पे आके जब ये ठंडा हो जाए तो हम इसे स्टोर कर सकते हैं किसी भी ग्लास बॉटल में, एयर टाइट ढक्कन लगाकर आप उसको फ्रीजर में रख सकते हैं। 3 to 4 मंथ आराम से ये रह जाता है विदाउट प्रिजर्वेटिव्स है और बहुत ज़बरदस्त होता है इसका टेस्ट। जब हम इसको फाइनल प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन इसकी करेंगे, तब आप देखिएगा देखने में भी बहुत खूबसूरत और सूथिंग लगता है। ब्लू लेगून ड्रिंक स्टार्ट करते हैं बनाना। इसमें लेमन के 1-2 स्लाइस मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आइस क्यूब्स ऐड करेंगे। ब्लू सिरप जो हमने बनाया हुआ है वो ऐड करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून। के साथ इसमें मैं 7-Up ऐड करूंगी, आप सोडा ऐड कर सकते हैं इसमें। ब्लू लेगून सिरप से हमने देखें होममेड सिरप था और कितना ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल हमने ड्रिंक रेडी कर लिया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये, ज़रूर ट्राई करें इसे, बहुत हेल्दी वे में ये घर के अंदर आराम से बन जाता है।